থেকে গেছা, তবে তো কারণ আমার ছাতার পরে পুরো স্মার্ট। अभी देखिए चंबल में चुनाव में हो चाहे अवैध उत्खनन हो रेत का, इसमें अब व्यापक पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल होने लगा है। जितने वैध हथियार हैं उससे कहीं अधिक चंबल क्षेत्र में अवैध हथियार हैं, और ये डकैत प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पूर्व में यहाँ सुरक्षा के लिए आवश्यकता थी तो वैध हथियार अगर नहीं उपलब्ध हो पाते थे तो लोग अवैध कट्टे हैं, बंदूकें हैं, ये रखते थे, कहीं से ना कहीं से मैनेज करते थे। इस वजह से अवैध हथियारों का जखीरा यहाँ पूरे क्षेत्र में पड़ा हुआ है। नहीं, पिछले समय में जितने भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी प्रकार के अवैध हथियारों का या इस प्रकार के जो दबंगाई जिसको हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। कोई भी चुनाव रहा हो, पहले भी कोई ना कोई दुर्घटना हमेशा चुनाव में होती रही है, और आप देखेंगे कि हर चुनाव में जब भी कोई दुर्घटना हुई तो कांग्रेस के लोग इसके लिए जिम्मेदार हुए, पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार के काम में कोई भरोसा नहीं है। हमने प्रशासन से मांग भी की, हमारी मांग है भी कि जो भी अवैध हथियार हैं, जिसकी भी सूचना है, पुलिस को तुरंत उनको पकड़ना चाहिए। कांग्रेस गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। हम लोगों ने हमेशा शांति सद्भाव को महत्वपूर्ण स्थिति में रखा है। जहाँ तक हथियारों की चुनाव के टाइम पर जमा कराने की एक प्रक्रिया होती है, तो चुनाव आयोग के आदेश पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हथियारों को जमा करने के लिए प्रेरित करती है, आदेशित करती है। लेकिन 25 लाख जो लाइसेंस हैं उनमें अधिकांशतः जमा हो चुके हैं। जो बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य रूप से जिनको छुटकारा देना जरूरी है, गंभीरता पूर्वक विचार करके प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनको छूट देता है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिले में पूरे जोर पर हैं। जो लाइसेंसी हथियार हैं 29,342 पूरे जिले में है, उसमें लगभग 29,000 हथियार जमा हो चुके हैं। जिनको छूट मिली है वो अलग हैं। अवैध अस्त्र शस्त्र की जो धरपकड़ है वो भी जारी है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 75 अवैध हथियार के केसेस पुलिस ने किए हैं।